दोस्तों, ये हमारा जैसलमेर सिटी का सेकंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने आपको जैसलमेर फोर्ट पूरा दिखाया था और एक एक डिटेल्स दिखाने की हमने उसमें कोशिश की थी, और ये है हमारा सेकंड पार्ट जिसमें हम आपको दिखा रहे हैं पटवों की हवेली, जिसे गुमान मल जी सेठ ने अपने 5 पुत्रों के लिए बनवाया था और लगभग इसे बनाने में 50 से 60 वर्षों का समय लगा था। तो चलते हैं आगे और आपको दिखाते हैं पटुओं की हवेली। ये शहर के सबसे बड़े मठाधीश, समझते हो ना, मठाधीश सबसे पैसे वाले सेठ गुमान मल जी बापना, जिनका एशिया में 300 दुकानें थी, पूरी 300 दुकानें पूरे एशिया में। जैसलमेर में मुख्य व्यापार कैमल कारावान का, अफीम, स्पाइस और वूल। उन्होंने अपने 5 पुत्रों के लिए 5 हवेलियाँ बनवाई, पहली, ये दूसरी, तीसरी, चौथी और पाँचवीं। कारावान का धंधा बंद हो गया, धीरे धीरे लोग यहाँ से पलायन करने शुरू हुए। इन्होंने 3 हवेलियाँ सरकार को बेच दी। ये पहली हवेली जो आपके सामने है, दूसरी ये लेफ्ट हैंड साइड में है और तीसरी एंड में है। ये 3 हवेलियाँ अभी सरकार के अंडर में कोई नहीं रहता। 1980 में यहाँ भी मकान थे जहाँ अपन खड़े हैं। फॉरेनर, टूरिस्ट जो भी यहाँ देखने के लिए इस हवेली को आते हैं, क्योंकि जब ये मकान थे, मकान वहाँ ऑक्स है ना, वो बैल बैठा है ना, वहाँ तक था मकान। इसलिए स्ट्रीट वॉज वेरी नैरो, छोटी स्ट्रीट होने की वजह से आप इसका व्यू नहीं देख पाते थे। इसलिए गवर्नमेंट ने करवा दिया, ये मकान स्पेस बना दिया है। हवा प्लस वाली, सुबह भी बताया था आपको, हवेली का मतलब यही होता है, हवा प्लस वाली, हवा और खिड़की है। मगर अब क्या है, पिजन्स, ये कबूतरों के डिस्ट्रॉय की वजह से 1981 में इन्होंने खिड़कियाँ लगा के इसको बंद कर दिया। पहले सब खिड़कियाँ खुली थी, इट इज ओपन ऑलवेज। अब 2 प्राइवेट मकान है, आज उनकी 6ठी से 7वीं जनरेशन रहती है अंदर। भैया दोस्तों, अब चलते हैं हवेली के अंदर और आपको दिखाने की कोशिश करते हैं कि उस जमाने में जो भी बड़े बड़े सेठ थे वो कैसे रहते थे। दोस्तों, भीड़ होने के कारण काफ़ी डिस्टर्बेंस था, तो मैंने कोशिश तो पूरी की है कि मैं हर डिटेल्स आपको एक एक चीज़ों के बारे में बताऊं। ये इनका प्राइवेट मंदिर है जहाँ पे ये पाठ पूजा करते थे। गुमान मल जी बापना जैन ने इन हवेली को 58 साल पहले बेच दिया 48,000 रुपए में। व्यापार के लेन देन का काम करने के लिए इनका ये ये भी लेना साथ में, देखिए ये मंदिर जाने के लिए है, ये दीपावली के दिन पहनने के लिए है, ये श्रावण मास में पहनने के लिए, ये सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए ये कलर है, शादी विवाह में बनारसी साड़ी, ये प्राइवेट कॉस्ट्यूम है शादी के राजस्थान में, जो ये एरिया राजस्थान का ही है। ये पालकी है सेठानी को इधर उधर ले जाने के लिए, सेठ लोगों को, सेठानी लोगों को। ये पुराने ताले, ओल्ड लॉक्स, ये गेट पे लगने वाले पुराने ताले हैं, 10 से 15 किलो का वजन होता है, 3 चाबियों का ताला ही है, 3 की लग से।
राशियों के ताले खाने का कोई मजा नहीं है। मुख्य दरवाजे उसको बोलते हैं जॉइंट अकाउंट मियां भी नहीं, कोई भी एक नाराज हो जाता है। ये मुख्य द्वार पे लगता है किला, दो चाबी एक पत्नी के पास में एक पति के पास में है ना, दोनों साथ मिलके लगाते हैं। ये पटवा से कमरा बेडरूम है, सोते कैसे थे पटवा से अंदर चल के देखिए। ये ओपन कोर्टयार्ड है, हवा और पानी के लिए, बरसात के लिए, हवा आने के लिए और लाइट के लिए, चौपट पासा समय पास करने के लिए, बच्चों के लिए म्यूजिक सुनने के लिए, अगर शाम खाने वाने के बाद में अगर रेस्ट करके म्यूजिक भी सुने आराम से। ये पटवा सीटों का बेडरूम है, सिल्वर बेडरूम। वो लॉकर सामने, वो लॉकर पैसे रखने के लिए। इधर आइए, ये सामने टर्बन स्टैंड है, अलग अलग टर्बन पहले अलग अलग ओकेशन पे अलग अलग कलर के टर्बन से। ये मेकअप रूम है, औरतें अपने आप को सुंदर बनाने के लिए। सिलाई मशीन, आयरन द क्लॉथ्स, सिलाई करने के लिए, प्रेस करने के लिए, आपकी औरत बड़े नहीं हो जावे तो वेट की मशीन भी है ना, अपना समय समय पे अपना वेट भी नापते हैं, ये ज्यादा बढ़ तो नहीं गया। ये देखिए आयरन है, फोम से कंघे, लकड़ी के कंघे बने हुए हैं। इसमें कुछ कंघे ऐसे होते हैं जिसमें ऑयल अंदर डालना पड़ता है कंघों में और अपने आप वो हेयर्स में आ जाते हैं ऑयल। ये मेकअप रूम है, अपने खुद को सुंदर बनाने के लिए, औरतों को सुंदर बनाने का कमरा है। सामने देखिए हाथीदान के ब्रासलेट है, परफ्यूम रखा हुआ, पास में इत्र लगाते हैं, बोतल रखी हुई है चांदी की रोज वाटर के लिए, जो सामने लंबी बोतल आप देख रहे हैं ये रोज वाटर के लिए है। उसके ऊपर जो रखी हुई है वो सुरमा काजल, आंखों में सुरमा भरने के लिए। होली खेलने का पानी का, पानी भरने के लिए, वो गर्म पानी करने के लिए, जो ऊपर दिखाया था ना मैंने, आटा बनाने की मशीन, पेपर मेसी से ये बर्तन बनाते थे औरतें पहले है ना, गोबर और पेपर मेसी, पेपर को कूट के ये पेपर मेसी। ये किचन है सेठ लोगों का, योगर्ट्स दही के लिए, ये पेपर मेसी के बर्तन है जिसमें आटा वाटा पीसने के लिए। सामने चूल्हा है, चूल्हा है जिससे लकड़ियां जलाने के लिए, सामने चक्की है आटा पीसने के लिए, उसके पास में स्पाइस, उसके पास में हलवा बनाने के लिए, राइस पुडिंग बनाने के लिए। ये जूसर है नीचे, ऊपर है केरोसिन की सिगड़ी खाना बनाने के लिए। ये केरोसिन की सिगड़ी है जिसपे खाना बनाया जाता है। ये नूडल्स मशीन है जिससे नूडल तैयार होता है, नूडल्स। उसके नीचे केरोसिन स्टोव है, देखिए कैसे ब्यूटीफुल मेड केरोसिन स्टोव। आइए भोजन कैसे करते थे, लंगर की पंगत लगा के जीते थे राजा से। सेठ सेठानी आपके सामने, ये सेठों के भोजन करने का स्थान है और सेठ सेठानी आमने सामने बैठ के भोजन करते थे ना, दोनों पंगत लगा के आमने सामने टेबल लगाई उनके भोजन के लिए। बीच में खाना रखने का सामान है, देखिए जिसमें योगर्ट दही, सामने आइस बॉक्स बनाया हुआ है, उस समय भी लोग ये बर्फ तैयार करके अपने आप को ठंडा रखने के लिए आइस बॉक्स। उसके बाद में स्टीम कुकर है राइट साइड में, खाना गर्म रखने के लिए स्टीम कुकर बना हुआ है। नीचे चौकोल कोयले जला देते थे नीचे, खाना हमेशा गर्म रहता था। इधर राइट साइड में हाथ धोने के लिए गर्म पानी, सामने देखिए बिना इलेक्ट्रिक का पंखा है, उस समय चलता था सेठ लोगों की हवा के लिए बिना बिजली का पंखा।
अगर कोई एक्स्ट्रा मेहमान आ जाता तो अंदर अलग से, सेठ सेठानी के साथ में नहीं बैठते थे वो भोजन करने, अलग से पंगत लगती थी उनके। सामने एक पेपर मेसी का है घी वगैरह रखने के लिए, और दूसरा है योगर्ट दही वगैरह रखने के लिए। ये मेज के आसन है मेहमानों के बैठने के लिए, पुराने हो गए इसलिए टूट गए हैं, बाकी ये मेज के आसन है मेहमान लोगों के बैठने के लिए। म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट को भी सुनने का आनंद रहता है इसे तो देखें। ये सब म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट यहाँ रखे हुए हैं। ये सेठ लोग भोजन करने के बाद में समय समय पे अपने म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट सुनने का भी आनंद लेते थे। इनके ऊपर ढोलक है, तबला है, हारमोनियम है, गिटार है, एक तारा बोले, ये कमाचा बोला जाता है, ये राजस्थान में बजाया जाता है। मांगनेहार जो एक जाति होती है, मांगनेहार वो बजाती है जिससे उनका जीविका चलती है। ये एक तारा भोपे जाति के लोग ये बजाते हैं, रावण हत्था के नाम से जाना जाता है ये इंस्ट्रूमेंट, एक तारा बोले। देखिए अपन यहां से जा रहे हैं अंदर, ये कमरा है भोजन करने के बाद में अपने आप को रिलैक्स करने का। राजा सेठ जो सेठ परिवार यहाँ रहता था वो भोजन करने के बाद में ये अपने आप को रिलैक्स करने की जगह है, जहाँ पे ये पुराने गाने बाने सुनते थे। पानदान रखा हुआ है जिसमें पान वगैरह खा के अपने आप को डाइजेस्ट करने के लिए, पीकदान है नीचे थूकने के लिए सेठों के, और ये पुराने इंस्ट्रूमेंट जिससे ये पुराने गाने सुना करते थे, हारमोनियम गिटार ये सब रखे हुए हैं। समय समय पर जो भी सुनना चाहे वो सुन सकते थे। उस जमाने का ये म्यूजिक है, आज के जमाने का ये म्यूजिक है जो बज रहा है आप देख रहे हैं। वो किस काम की? ये सुराई है, ऐसे छोटी छोटी सुराई है, पुराने जमाने में जलयोग के लिए, गंगा जल जलयोग के लिए काम आती थी, शराब के लिए काम आती थी सुराई, और ठंडे पानी के लिए काम आती थी। ये देख रही रेफ्रिजरेटर जो लॉकर हुआ करता था, इसके बारे में ये सोनी लोगों के पास जो सोना चांदी का काम करते हैं वो सोने और चांदी को गर्म करने के लिए ये प्रयोग में लेते थे पहले। आजकल तो आ गया गैस सिलेंडर वगैरह, पहले ये जो वायु से चलता था हवा से, ये लॉकर है। रेफ्रिजरेटर भी आता है ऐसा, ऐसा का ऐसा लॉकर भी आता है, ऊपर लॉक लगता है जिससे ये लॉकर खुलता है। ये हारमोनियम है, बड़ी अच्छी तरीके से बना हुआ हारमोनियम, बहुत पुराना हारमोनियम है। ऊपर देखिए सीलिंग लग रही है गोल्ड पेंटिंग, ये एस्ट्रो लैब है सर। समय समय पे समय का, राशि का, हवा का, हर प्रकार से एस्ट्रो लैब में आप जानकारी पा सकते हैं। जैसा कि जयपुर में जंतर मंतर है वैसा ये एस्ट्रो लैब छोटा सा बना हुआ है इस महल में। ये सेठों में बैठने की जगह देखिए, चेस गेम खेलने की, सेठ लोग चेस के भी शौकीन हुआ करते थे। ये इंग्लिश चेस है जो टेबल पे रखी हुई है, और उसके लेफ्ट हैंड साइड में चौपट पासा है, जो अपने हिंदुस्तान में चौपट पासा रामायण में महाभारत में शकुनी मामा ने खेला था, वही चौपट पासा है। ये सिंहासन है साहब सेठों के बैठने की जगह, शाम के जमाने में, शाम के टाइम में लोग साथ लिखते बैठ के वार्तालाप, बच्चे भी साथ में, सेठानी भी साथ में, और ये समय समय पे ये चौपट पासा खेलने का स्थान। ये क्लॉक टावर है, एक्चुअल में ये जैसलमेर में नहीं है, जोधपुर का क्लॉक टावर है, मगर पत्थर का बना हुआ है, इसलिए बनाया हुआ जैसलमेर में है, इसलिए ये क्लॉक टावर है जोधपुर में घंटाघर। ये सामने देखिए सेठ जी है जिन्होंने इस हवेली को 60 साल पहले खरीद ली 48,000 रुपए में। आज ये मालिक है, जोधपुर में रहते हैं, श्री जीवनलाल जी कोठारी। अब ऊपर से आप व्यू देख लो किले का,